Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. In our previous lecture, we have started a chapter that is to be known as admission of a partner in a partnership firm. Usme humne topics cover kare jo hum from the very first day when we started a partnership chapter, वो रेपिटेटिव हुए हैं टॉपिक्स कैसे वाले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया वो हमने दोबारा से कर लिया एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमने डिफरेंट नियर अबाउट 10 केसेस करे थे चेजिंग प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ये भी सीख लिया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है उसके बाद हमने आज एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमारा कंप्लीट हो गया था अपने लास्ट लेक्चर में अब हमारा स्टार्ट होता है पार्टनरशिप फर्म में ये जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं ना एडमिशन में आप ये ना सोचो जो हमारे इंट्रो में था ना बेस जिसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करा था हिडन गुडविल भी करा था वो रेपिटेटिव आया अब हम मैं कराने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ये भी ऑलरेडी हम हो चुके बस हम क्विकली आज चैप्टर को कोशिश करेंगे पैकअप करें क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं अभी ये एडजस्टमेंट होगी इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो भी हम पहले कर चुके हुए हम जल्दी से अपना टाइम नहीं वेस्ट करते अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आता है ना तो जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स होते हैं नॉट ऑल रिजर्व्स ओनली फ्री रिजर्व्स जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ना उन पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का हक होता है क्योंकि वो रिजर्व्स उनके जो पास्ट प्रॉफिट्स है एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस करके वो रिजर्व्स क्रिएट कर रहे होते हैं फर्म के तो ऑब्वियसली अगर बात सोचो आप अगर मेरी फर्म में एक नया बंदा आ रहा है तो मेरे को एग्जिस्टिंग जो मेरा पैसा पर्सनली हमारा पैसा पड़ा हुआ है वो हमें वापस मिलना चाहिए ना अब नई शुरुआत होने जा रही है ज्यादा पार्टनर्स के साथ तो नए रिजर्व्स क्रिएट होंगे बाद में जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स हैं उनको हमें हमारा हक है उनपे और हम अपने रिजर्व्स को में से पैसे हम लेंगे उन रिजर्व्स को खत्म करके और ये रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं ये होते हैं जो फ्री रिजर्व्स जो हम एक फ्री रिजर्व्स क्रिएट करते हैं हर एक फर्म में हर एक कंपनी में क्यों क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के कारण जैसे क्या हो गया कैपिटल रिजर्व हो गया जनरल रिजर्व हो गया राइट और रिजर्व्स हो गए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो गए ये सारे हम रिजर्व्स करते हैं फॉर द सिक्योरिटी कैसे अब हम कुछ रिजर्व्स की बात करते हैं कौन कौन से होते हैं जो रिजर्व्स हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उनको राइट ऑफ करना पड़ता है कौन कौन से होते हैं वो जैसे रिजर्व फंड को ही हमें बैलेंस शीट में पड़ा मिला कैपिटल रिजर्व मिल रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल रहा है कंटिंजेंसी रिजर्व मिल रहा है जनरल रिजर्व मिल रहा है ट्रेड अर्निंग मिल रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हमें देखने को मिल रहा है तो ये सारे रिजर्व्स हैं हमारे फ्री रिजर्व्स और ये हमें राइट ऑफ करेंगे और अगर आप याद करो राइट ऑफ की एंट्री क्या थी हम ओल्ड पार्टनर्स में ये रिजर्व्स बांटेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में क्या था रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये थी ना एंट्री जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उनको याद आता होगा क्या था एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपली एक एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट में कौन सी रेशियो में ओल्ड रेशियो में इन ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के हम डाल देंगे ठीक है जी ये एंट्री क्या होगा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो मान लो रिजर्व फंड पड़ा हुआ रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो यही थी एक एंट्री अब हमारी ये ट्रीटमेंट होगी अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जिसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप क्रिएट करते हैं ताकि अगर कल को कुछ फैक्ट्री में कोई मिस हैपनिंग हो जाए और हमें उस वर्कर को कंपेंसेट करना पड़े हमारे ऊपर एकदम से फाइनेंशियल बर्डन ना आए हम उस फंड से जो हमने इकट्ठा किया उसमें से पैसा निकालें और वर्कर्स को पे ऑफ कर दें सो ये जो फंड होते हैं ना ये कुछ रिजर्व होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट अलग तरह से होती है
कैसे होती है, मान लो एक इसे केस मान लो एक दिया हुआ है, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो अब हमारे फर्म हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और हमें कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, कोई क्लेम नहीं है, तो पूरे का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा फर्स्ट केस जब हमारा नहीं है, क्या होगा वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन कौन सी, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, इन ओल्ड रेशियो, जब ओल्ड पार्टनर्स की बात आएगी तो उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे जितना रिजर्व होगा, ठीक है जी। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला केस। अब सेकंड केस आता है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब क्लेम हमारा आया है वर्कमैन कंपनसेशन का, बट वो क्लेम देने के बाद भी कुछ पैसे बचे हुए हैं रिजर्व में, तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन, जो हमारा जो पैसे हमने देने हैं वर्कर्स को, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस अमाउंट होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे इन ओल्ड रेशियो, उनकी ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना हमें क्लेम का अमाउंट आया वो हम करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में डाल देंगे, और जो बाकी का अमाउंट जो हमने पार्टनर्स को देना है, जो बैलेंस बचा है हमारे रिजर्व में, वो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ये बैलेंस आ जाएगा जी, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा हो गया सेकंड केस। अब इसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कैसे, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है, बट हमारे क्लेम आया, बट क्लेम का पैसा पूरा नहीं हो पा रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, मतलब क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खाली हो रहा है बट उसके बाद भी कुछ पैसा रहता है जो हमें वर्कर्स को देना पड़ेगा। तो अगर बेनिफिट ले रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स रिजर्व का, अगर कोई क्लेम एडमिशन के टाइम पे आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में से ही जाएगा। अगर ये उनका रिजर्व जो क्रिएट उन्होंने करा हुआ है, अगर वो उनका बचा बचा पैसा, वो लायबल है वो अपना पैसा निकलवाने के लिए, बट एडमिशन के टाइम पे एक वर्कर कोई मिस हैपनिंग होगी फैक्ट्री में और वर्कर ने स्यू कर दिया और कंपेंसेशन मांगी, और कंपेंसेशन इतनी बड़ा अमाउंट था कि जो रिजर्व था वो तो खाली हो गया, बट रिजर्व के बाद भी कुछ पैसा देने वाला पड़ा है वर्कर्स को, और वो उसका बर्डन हम न्यू पार्टनर के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि वो तो अभी आ रहा है, आया है, तो वो जो अमाउंट एक्सेस अमाउंट होगा वो किस में से निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से, ठीक है जी। तो इसका क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपन, ये होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट पहले ना एक फोर्थ वाला केस कर सकते छोटे वाला, जब पहले हमने केस करा कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो कैसे डील करना है, अब और अगर वर्कमैन कोई क्लेम आया ही नहीं तो कैसे डील करना है। अब तीसरा केस है अगर इक्वल अमाउंट से क्लेम आ गया, इक्वल अमाउंट से क्लेम आ गया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, उतना ही अमाउंट हम नलीफाई कर देंगे, खत्म हो गया, अब कोई ओल्ड पार्टनर्स को हमने पैसे नहीं दे रहे क्योंकि पूरे का पूरा बैलेंस खत्म सेट ऑफ हो गया। तो ठीक है, ये हमारा था फोर्थ केस। और हमारा जो थर्ड केस हम बात कर रहे थे कि थोड़ा अमाउंट देने वाला भी बाकी है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, जितना बैलेंस दे रहता है देने का, तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि इसका आपको फैक्ट बताता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट
debit to provision for workman compensation account. ऐसा क्यों करा हमने? हमने वर्कमैन कंपनसेशन से सारा पैसा निकाल लिया, फिर भी कुछ बैलेंस बचा है, तो किस में से निकालेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट में से। तो इकट्ठा करके प्रोविजन फॉर वर्कर्स को हम दे देंगे। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से। इसकी एंट्री क्या होगी जी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक इसकी दो एंट्रियां होगी, एक फर्स्ट एंट्री ये हो गई और सेकेंड एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री का मकसद क्या है? ये एंट्री आप याद करो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कौन से साइड पे होता है हमारे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारी लायबिलिटी साइड पे। और अगर हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कम हो रहा है तो हमारी एंट्री रेवल्यूशन में क्या डलेगी? रिवैल्यूएशन में। When liabilities are revaluation account credit side पे आती है ना, credit side में revaluation account के क्या आता था? ये था ना हमारा revaluation account। यहां पे आता था credit side में increase in value of asset, increase in asset आता था और decrease in liabilities आती थी। और यहां पे आता था increase in liability और decrease in asset। ऐसे ही था ना revaluation account। तो इसमें ही हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मतलब डिक्रीज हो रहा है, उतना अमाउंट हमारा कम पड़ रहा है। तो हम ये एंट्री एक पास होगी, इस एंट्री का कैसे हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे? वर्कमैन इसमें डालेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में से निकालेंगे उतना अमाउंट, क्योंकि लास्ट में तो हम कैपिटल में ही वो बांटते थे गेनिंग ऑफ वो जो उनका प्रॉफिट और लॉस जो निकलता था बैलेंस में। तो ऐसे करके आ जाएगी हमारी एंट्री। तो लग गई समझ? ये थी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हुए थे, इसलिए हम बस जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं कि कैसे, ताकि आपको भूले ना। ठीक है जी, अब आप एक बार रीडिंग कर लो, हम देखते हैं हम नेक्स्ट का कौन सा टॉपिक है। हाँ, एक और बात है कि कौन से रिजर्व, ऐसे रिजर्व होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बैलेंस शीट में बहुत सारे रिजर्व्स दिए होते हैं, बट कौन से रिजर्व्स राइट ऑफ करने हैं और कौन से रिजर्व्स को पड़े रहने देना है, उसमें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, उसमें उसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। और कौन से रिजर्व कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन फंड, ठीक है, टैक्सेशन फंड दिया हो या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दिया हो, एम्प्लॉयज सेविंग फंड दिया हो या एम्प्लॉयज का पीएफ दिया हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हो, ये सारे फंड हमें नहीं राइट ऑफ करने, ये सारे फंड्स पड़े रहने देने, याद रखना ये सारे फंड्स आपने इनको नहीं करने पड़ना, इनकी जनरल एंट्रीज इनकी वैसे की वैसे एज इट इज रहेंगे। कौन कौन से रिजर्व्स हम सेट ऑफ करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस या जो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ठीक है जी, ऐसे वाले जो रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, तो ये सारे रिजर्व हमें सेट ऑफ करेंगे, फ्री रिजर्व होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हम अच्छे से कर चुके हैं, रेफर आर प्रीवियस लेक्चर। क्या फिर भी छोटे जल्दी से मैं गो थ्रू करवा देता हूं, क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्या होता है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सीखा, सिंपल सा फंडा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहां पे आता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, और यहां पे आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, एंड जो बैलेंस आएगा यहां पे आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और यहां पे आएगा अगर बैलेंस यहां पे बच रहा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, किसमें डिवाइड होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो यही हम कर चुके थे, तो यही है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब जो अगर हमारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स की वैल्यूएशन करी गई है और उससे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो यहां पे डाल देंगे, डिक्रीज अगर लायबिलिटी हो रही जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो यहां, तो ऐसे करके कर देंगे बैलेंस हम, ये सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कौन से कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में।
अब हमारा ये भी हो गया और एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट मैं आपको बता दूं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन क्या होता है. मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन होता है कि दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट हमारा जब जैसे हमारा होता है ना ऊपर और नीचे वाला, उसी का रेसिप्रोकल कर देना होता है ताकि जो प्रॉफिट होता है वो नीचे जाके लॉस में कन्वर्ट हो जाए. मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़वा देता हूं. मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड्स द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सिमिलर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट. द प्रॉफिट लॉस ऑन सच रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो. इन द सेकंड पार्ट ऑल एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट आर रिवर्स्ड. द बैलेंस ऑफ द सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है जी, क्या मतलब अगर हमारा ये क्या पे है ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है ना. ठीक है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अगर बनाए तो पहले तो ये हम ऐसे ही बना देंगे नॉर्मल रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे. फिर जो होता है फिर नीचे हम एंट्रीज कर देते हैं कि रेसिप्रोकल. अगर यहाँ इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी है वो यहाँ एंट्रीज नीचे इसके नीचे ही इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट. तो और नीचे वाले पार्ट में जो बैलेंस बचता है वो हम प्रॉफिट जो या प्रॉफिट या लॉस जो आता है वो हम ऑल पार्टनर्स ओल्ड नहीं ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों में डिवाइड करते हैं. इससे क्या होगा सेट ऑफ हो जाएगा, इफेक्ट को कैलकुलेट हो जाएगा इसमें प्रॉपरली. बट दिस इज अ थ्रेटिकल क्वेश्चन, आपको बनाने के लिए आ सकता है. इसमें क्या होता है एट द ओरिजिनल कई बार पार्टनर्स करते हैं कि हमें ना जो वैल्यूज है ना एसेट्स और लायबिलिटीज की वो हमें ओरिजिनल ही रखनी है अपनी बुक्स में. तो इस चक्कर में हमें इफेक्ट को सिर्फ कंप्यूट करना होता है और वो इफेक्ट हम ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं. अब ये हो गया हमारा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन. अब हमें कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी आती है, कर चुके हैं. अब हमारा लास्ट टॉपिक है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पार्टनरशिप के पहले लेक्चर में भी बोला था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. बड़े सम में एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगी ही आएगी. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ हमने केसेस करे थे, वो केसेस हम दोबारा से मेमोराइज करते हैं इन 10 मिनट्स. ठीक है जी, 10 मिनट में हम एडमिशन को पैकअप करते हैं. पैकअप करें एडमिशन को. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये कैपिटल की एडजस्टमेंट का क्या मतलब, इसके ना कुछ केसेस होते हैं. कैसा होता है, एक केस होता है कि जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल की अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है. मतलब क्या, अगर मान लो एक नया ए बी आर पार्टनर्स एंड सी इज अ पार्टनर विद अ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही ब्रिंग्स अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, तो हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. सब में दिया होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं. अगर सब में बोला है एडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो हम फर्स्ट केस होगा हमारा. कैसा वो केस है, हम कर चुके हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखनी है और न्यू पार्टनर की जो शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल देंगे और जो टोटल कैपिटल होगी वो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी, वही हमारा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो कैरी डाउन बैलेंस हमारा वो जो न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करे हैं कैपिटल को वो नीचे लिख देंगे. फिर क्या होगा कि जो जो बैलेंस बचेगा, ऑब्वियसली बैलेंस बचेगा, ये तो हमने बैलेंस निकाल लिया ना हमने ये. अदरवाइज क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सारी गुडविल प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, ठीक है जी, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ड्रॉइंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको लिखते हैं हम. ठीक है जी, उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन. टू बैलेंस कैरी डाउन जो होता है वो बैलेंस बचता है. इसमें हम टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल रहे हैं मेन टू से वर्किंग नोट्स में. वर्किंग नोट्स में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करा, हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन. पहले से लिख दिया नीचे, ऊपर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर हम एडजस्टमेंट लिखेंगे गुडविल की, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्राइंग्स, ये सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा चीजें हम जब एडजस्टमेंट लिख लेंगे ना सारा कुछ, तब फिर हमारा जो बैलेंस
मैच नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है वो जो हमने कैरी डाउन फिगर निकाली वो हमने कैलकुलेट करी, कुछ बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस बचेगा उसको कंसर्न्ड पार्टनर की करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर यहां पे 5 लाख 10 लाख 5 लाख ये हमने निकाल दिए थे बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है जी, ए बी सी पार्टनर थे, ऐसे ही यहां पे भी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है जी, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये बाय बैलेंस कैरी ड्रॉ डाउन था। फिर हम सारे जो हमारा अगर बैलेंस अगर मान लो यहां पे 10 लाख और ये था 8 लाख और कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद ये साइड हमारी छोटी आ रही है, मीन टू से कम आ रहा है 2 लाख से, तो 2 लाख बी का कम आ रहा है तो हम बी का करेंगे 2 बी करंट अकाउंट। अगर बोला होगा तो करंट अकाउंट खोलना, याद करना, याद रखना, अदरवाइज अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो ओपन द करंट अकाउंट, तो हम सीधा टू बैंक से एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट। तो यहां पे बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, ये मानी लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे ही अगर यहां पे किसी पार्टनर का कुछ बैलेंस बच रहा है तो वहां पे बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। तो ये हम ऑलरेडी अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, रेफर आर प्रीवियस क्लासेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये टॉपिक नंबर था, ये मतलब केस नंबर था फर्स्ट, जब हम व्हेन द कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सेकंड केस है डिटरमिनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब क्या इसमें दिया हुआ है, सेकंड केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है, हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। इसमें क्या है, वैसे टोटल कैपिटल क्या होगा, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल जो हमारी यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन निकलता है नॉर्मल केसेस में, टू बैलेंस कैरी डाउन निकलता है ना, जो टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमारा निकलता है एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल को हम प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। वर्किंग नोट्स की बात कर रहा हूं, वहां नहीं, वहां लिखना नहीं आपने टू बैलेंस कैरी डाउन, ना ना आपने कैलकुलेटर से या कैलकुलेशन करके देखना है कि बैलेंस क्या बच रहा है, उसको वर्किंग नोट में लिख देना, ए इज कैपिटल, ए इज एडजस्टेड कैपिटल, बी इज एडजस्टेड कैपिटल, सी इज एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कर लेना उन सभी का, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल का, न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया, ठीक है जी। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल पोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल टोटल कैपिटल इनटू प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या मतलब, इसमें क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल निकल गई ओल्ड पार्टनर की, जब ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल देखनी है हमने, ए बी जैसे सी नया पार्टनर है, इनका कंबाइन करके 1/5 नए पार्टनर का शेयर है, उसका कंबाइंड को रेसिप्रोकल करके 5/1 करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में हमने 1/5 करना है वो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई। मतलब क्या, हमारा पहला केस था जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं, सिंपल सी बात। इसमें क्या है, हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के हेल्प से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है, और ठीक है जी, इसमें हमें ऐसा ही किया हुआ है। अब इसमें अगर हम थर्ड केस की अपनी बात करें, थर्ड केस है डिटर्मिनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है किस बेसिस में, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म के बेसिस में, ऑल्सो एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या करना है, इसमें करना है कैलकुलेटिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। हम टोटल कैपिटल निकाल, टोटल कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स बाय कंपेयरिंग देयर न्यू कैपिटल्स विद एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। हम इसका एक सम करते हैं, थोड़ा आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, थर्ड केस, थर्ड केस का सम करते हैं, यह हमारा केस 3 है।
केस थ्री क्या बोलता है कि मान लो क्वेश्चन है हमारा ए बी का शेयर है 3:2, 1 जनवरी को सी आया और सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज इट इज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट. उसने ये बोल दिया सी कैश लेकर आएगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगी 20% कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें पहले निकालनी है इसमें, तो कैसे निकालेंगे? इसमें निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो निकालनी है पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे. कैसे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी हमारी जो न्यू 34,000, राइट, जो हमारा आएगा बैलेंस कैरी डाउन आएगा ना, मान लो ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का इसमें दिया हुआ है बैलेंस कैरी डाउन आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, 34,000 और आया 26,000. हम वर्किंग नोट्स में अपने जाएंगे, हम करेंगे लेट टोटल शेयर बी वन, सी शेयर हो गया 1/5, ये तो हमने वो किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए. अब हमारी टोटल कैपिटल कितनी हुई ए और बी की, ए और बी की अगर कैपिटल की बात करें 34,000 + 26,000 क्या हुआ, 34 + 26 को हम ये हो गया 60,000 ना, और इनकी थी, इनका शेयर था 4/5, राइट, 4/5 शेयर था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इनकी निकली है तो इनकी है 4/5, तो इनका क्या होगा 60,000 का 5/4 से करके रेसिप्रोकल के साथ करके हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी 75,000. जब हमारा आ गया, जब हमारा 75, ये हमारी टोटल कैपिटल निकल है. टोटल कैपिटल को हम वैसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे. ए बी सी की कैसे कैपिटल होगी, रेशियो की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है 12/25, 8/25, 5/25, इनकी आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऐसे हम न्यू कैपिटल इनकी आई थी 36,000, 24,000, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल थी इनकी 34,000 and 26,000, ठीक है. और जो शॉर्टेज जो थी उनको हम कैश के साथ एंट्री पास कर देंगे, टू कैश और बैंक या बाय कैश और बैंक. ये हमारा सेकंड केस भी हो गया. थर्ड केस, ठीक है जी, थर्ड केस में आपको फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमारा रिमेनिंग शेयर होता है ना, रिमेनिंग शेयर कैसे कि हम इसमें जब हम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू वन, और नए पार्टनर का शेयर है जितना, ठीक है, और माइनस करेंगे आ जाएगा 4/5 है ए और बी ओल्ड पार्टनर्स का शेयर, और जो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है ना उनको रेसिप्रोकल करके उनकी एडजस्टेड कैपिटल का कंबाइन करके हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी. ओके, अब हमारा ये थर्ड केस कंप्लीट. अब फोर्थ केस है नॉर्मल. फोर्थ केस इज सिंपल, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन. जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है तो हमें दिक्कत क्या है? तो टोटल कैपिटल दिया हुआ है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ हम न्यू कैपिटल निकाल लेंगे और बाकी का शॉर्टेज हम टू कैश बाय बैंक कर लेंगे, ठीक है जी, जो भी है. अब इसमें बात करते हैं फिफ्थ केस की. When capital of the all partners including new partners are to be adjusted. R to be adjusted का मतलब पहले हम क्या करते थे, adjusted capitals का जब combine किया है वो कौन से adjusted capital का combine किया, old partner के adjusted capital का. इसमें क्या होगा, adjusted capitals of old partners plus new partners की capital को जब combine कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी total capital. फिर हम करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स डिवाइडिंग टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर टोटल कैपिटल जो होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी. जो डेफिशिएंसी सरप्लस होगा वो हम वैसे ही कैपिटल करंट अकाउंट या कैश के साथ एंट्री पास कर देंगे. ये अब हमारी होगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे केसेस. मैं आपको फर्क बताता हूं
स्टेटमेंट में हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट केस आना है, सेकंड केस आना है, थर्ड आना है, फोर्थ आना है, फिफ्थ आना है। हम अगर बात करें अपने फर्स्ट केस के एग्जांपल की, जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें दिया होगा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर बाय चेक एज द केस में बी। बाय चेक का मतलब जो भी शॉर्टेज होगी वो बैंक के साथ करेंगे, टू बैंक बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर हमारी बैंक के साथ होगी। अगर उसे बोला बाय कैश तो आएगी टू कैश बाय कैश, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हमने टू कैश बाय कैश या टू बैंक बाय बैंक के साथ करना है, तब हमने करंट अकाउंट नहीं खोलना। करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब खोलना है जब हमें क्वेश्चन में दिया है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर। ये हमारा सिंपल सी बात है, जब उसने लास्ट में बोल दिया होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी डन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारा पहला केस है न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसका शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकालना है। अब हम सेकंड वाले केस की एग्जांपल है, उसमें दिया होगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल सो एज टू गिव हिम वन सिक्स शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी कि न्यू पार्टनर जो होगा वो कैपिटल लेके आएगा इन द प्रोपोर्शन टू द न्यू इन द प्रोपोर्शन वन सिक्स शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इसमें बोला है सिर्फ कि फर्म क्या 1/6 प्रॉफिट्स के हिसाब से वो कैपिटल लेके आएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दी हुई, न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दी हुई, हमें कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का वही फंडा जब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे टोटल कैपिटल में, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को रेसिप्रोकल करेंगे उनके शेयर के साथ, तो टोटल कैपिटल निकलेगी और उसको न्यू पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके वो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो ये हमारा था न्यू पार्टनर वाला केस। अब हमारा जो बैलेंस होगा, हाँ जो सेकंड वाला केस है इसमें ना हमें एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट में कैश बैंक पेड ऑफ का नहीं हुआ केस, इसमें सिर्फ हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। कैपिटल निकालनी कैसे, ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के बिहाफ पे ऐसे दिया होगा, इसमें कोई राइट ऑफ अलग कोई केस नहीं आएगा क्योंकि जो बैलेंस कैरी डाउन है वही हमारा सेम रहेगा। ठीक है जी, सिर्फ हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्यों निकाल रहे हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल गई, मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा जो थर्ड केस होगा उसमें दिया होगा न्यू पार्टनर वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स आर कैरीड आउट। जब उसने बोल दिया एडजस्टमेंट्स कैरीड आउट करने के बाद न्यू पार्टनर कैपिटल इतना शेयर लेकर आएगा, न्यू पार्टनर इतना शेयर लेकर आएगा, तो फिर इसमें क्या होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इसमें निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा पुराने वाले केसेस के मुताबिक ही, तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर को हम डिवाइड कर देंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा और जो डेफिशिएंसी होगी वो कैश या बैंक से हम फुलफिल कर देंगे। और जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दिया होगा और सिंपल दिया होगा लास्ट में कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,60,000 एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्या मतलब 1,60,000 दे दिया, 1,60,000 का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ऑल पार्टनर्स में जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा जो हमारे एडजस्टमेंट में आएगी वो टू कैश बाय बैंक आना है। और जो फिफ्थ केस है ये व्हेन कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड, जब कैपिटल ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड का मतलब कि हमने क्या करना है, एक ड्राफ्ट जो बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा एक कैलकुलेशन करके वो बैलेंस कैरी डाउन तीनों पार्टनर के टोटल करना है, तीनों पार्टनर का टोटल करने के बाद हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स करने के बाद फिर हम करेंगे प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, वो होगी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और जो डेफिशिएंसी और सरप्लस होगा वो वैसे टू कैश बाय बैंक के साथ चला जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारा एडमिशन चैप्टर टोटली कंप्लीट है आज लेक्चर में। नियर अबाउट आई थिंक सो 4 क्लासेस हो चुकी हैं एडमिशन की, ये हमारी 5th क्लास थी। यस, तो हम अपना नेक्स्ट अपना देखते हैं टॉपिक पार्टनरशिप में, यहाँ रिटायरमेंट करते हैं।
ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, रिटायरमेंट और डेथ रहता है, वो हम कंप्लीट करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अब एडमिशन के जितने हम मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर दी, अब आप अपनी पर्टिकुलर आपके पास जो बुक्स है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस इस वजह से नहीं कराता क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चंस है, वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी अगर बीच में मैं जो टिपिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं कवर करा देता हूँ जो आपको सम में दिक्कत करेंगे। फिर भी आप अगर इनके अगर आपके सम्स नहीं निकल पा रहे तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टेक्ट करो, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए हम प्रैक्टिस अपना प्रैक्टिस डे अलग से रखेंगे, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगी जिसमें हम एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से जैसे क्वेश्चंस आते रहे हैं कॉन्टिन्यूसली शॉर्ट शॉर्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे पेपर का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग, डू शेयर, लाइक, कमेंट ऑन आवर वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।